शुरू होगी उसके बाद में 12-1 बजे तक अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बढ़ते आगे, जयपुर की चौमू नगर पालिका से खबर है। यहां नगर पालिका में इन दिनों किस्सा फाइल्स का चल रहा है। सरकार ने आमजन के हितों को ध्यान में रखकर प्रशासन शहर गांव के शहर अभियान चलाया ताकि हर व्यक्ति को आसानी से अपनी भूखंड का पट्टा मिल जाए, लेकिन यहां तो सरकार की प्रशासन शहरों के संग अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। चौमू नगर पालिका में फाइलों का किस्सा, आखिर कहां गायब हो गई पट्टों की फाइल, कौन सच्चा कौन झूठा, लोग नगर पालिका के चक्कर काटने को मजबूर। चौमू नगर पालिका में आवेदन करने के बाद पट्टे की फाइल ही गायब हो गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बातचीत में बताया कि एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से स्वीकृत हुई 5 फाइलें चेयरमैन विष्णु सैनी को भिजवाई गई, लेकिन चेयरमैन साहब ने वापस नहीं लौटाई। वहीं चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास एक भी फाइल नहीं है। इधर चेयरमैन की पत्रावली रिसीव करने वाली महिला कार्मिक सुधा ने अधिशासी अधिकारी के नाम पत्र लिखकर बताया कि 34 पट्टा पत्रावली मेरे द्वारा चेयरमैन विष्णु सैनी को सुपुर्द की गई, लेकिन चेयरमैन ने 29 पट्टा पत्रावली ही मुझे वापस दी। 5 फाइलें आज तक मुझे नहीं दी गई, लेकिन अब 5 फाइलों के लिए चेयरमैन विष्णु सैनी लगातार मना कर रहे हैं। इन फाइलों को लेने के लिए आदिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने चेयरमैन को कई बार पत्र लिख दिए। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक फाइलें ईओ को नहीं लौटाई गई हैं। कांग्रेस के पार्षद ने भी चेयरमैन पर गंभीर आरोप जड़े हैं। जब उनके संबंधित कर्मचारी से पूछा गया कि फाइलें कहाँ हैं, तो उन्होंने लिखित में दिया है कि ये फाइलें चेयरमैन के पास है, और चेयरमैन से जब कोई बात करता है तो चेयरमैन कहता है मेरे पास फाइलें नहीं है। तो फिर फाइलें गई कहाँ? आखिर उन फाइलों को चेयरमैन रोक के क्यों बैठा है? आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या है कि चेयरमैन उन फाइलों के पट्टे रिलीज नहीं करना चाहता? इधर पट्टे के लिए आवेदन करने वाले लोग नगर पालिका के चक्कर काट कर थक गए हैं। अधिशासी अधिकारी और सुधा शर्मा के पत्रों को पढ़कर लगता है कि फाइलें चेयरमैन के पास है और चेयरमैन ये फाइलें देना नहीं चाहते। इसके पीछे क्या राज है, यह तो चेयरमैन साहब खुद जाने। इधर शहर में चर्चा इस बात की है कि अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल और चेयरमैन के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। ईओ देवेंद्र जिंदल किसी भी सूरत में चेयरमैन की कठपुतली बनकर काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यह फाइलें रोकी जा रही हैं। लेकिन चेयरमैन और ईओ की आपसी लड़ाई में शहर की जनता का अहित हो रहा है। कांग्रेस के पार्षद भी चेयरमैन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। चेयरमैन के पास 23 सितंबर को फाइल पहुंच गई, लेकिन आज तक फाइल वहां से रिटर्न होकर नहीं आई, जबकि किसी भी फाइल को रोकने का कोई नियम नहीं है। एम्पायर्ड कमेटी का फैसला उसी दिन किया जाता है, एक दिन में फैसला किया जाता है, लेकिन उन फाइलों का अभी तक कोई हिसाब पे वापस नहीं आया। उधर भाजपा पार्षद बाबूलाल यादव ने कहा कि चेयरमैन की कार्यशैली से शहर की जनता परेशान है। चेयरमैन इन फाइलों को दबाकर वसूली करने की फिराक में है। अधिशासी अधिकारी के सामने अब चेयरमैन की दाल गलती नजर नहीं आ रही है, इसलिए फाइलें दबा रखी हैं। सवाल जो उठ रहे हैं वे ये हैं कि आखिरकार अगर ये फाइलें अधिशासी अधिकारी के पास नहीं है और चेयरमैन के पास नहीं है तो है कहाँ? क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अब ये जांच का विषय है। जब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी तो परतें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर एक सामंजस्य के साथ काम करें तो शहर की जनता का हित होगा। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चौमू, जयपुर।